नमस्ते एवरीवन, मैं आरबी की मोमैती अपने चैनल के थ्रू मैं रूबी आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। तो इससे पहले जो मैं पढ़ाई हूँ उसको मैं थोड़ा सा मेमोराइज करा देती हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में। ठीक है, बेसिकली मैं जो स्टार्ट की हूँ वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नॉमिनिक्लेचर। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन पढ़ा। ओके, दैट्स इनफ। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि फंक्शनल ग्रुप जो आते हैं तो हम लोग उनके नॉमिनिक्लेचर कैसे करते हैं। अब हम लोग वो सब जितने थे ना वो सफिक्स थे। ठीक है, सफिक्स इन द सेंस कि उनका हम लोग पीछे यूज़ करते थे। अब हमने पढ़ेंगे प्रीफिक्स कि आगे जो आते हैं तो इन सब का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए देखिए, पहले हम लोग जान लें कि प्राइमरी प्रीफिक्स होता क्या है। प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब क्या होता है। प्राइमरी प्रीफिक्स जनरली सब प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है, प्रीफिक्स दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला, टू टाइप्स होते हैं प्रीफिक्स, पहला प्राइमरी प्रीफिक्स, दूसरा सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो फर्स्टली क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं उसको आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, प्राइमरी प्रीफिक्स इज यूज सिंपली टू डिस्टिंग्विश साइक्लिक फॉर्म साइक्लिक फ्रॉम ए साइक्लिक कंपाउंड। मतलब कुछ कंपाउंड आप देखेंगे साइकिल के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए हम लोग क्या नॉमिनिक्लेचर यूज़ करेंगे तो उसको आज हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे देखना, हाँ आप लोग, जैसे ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये फाइव कार्बन आपस में देखो एक साइकिल के फॉर्म में कनेक्ट हो गया है, साइकिल के फॉर्म में कनेक्ट हो गया है। तो इसका हम लोग नॉमिनिक्लेचर कैसे लिखेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स देखेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब ये है कि ये साइकिल फॉर्म में है कि एसाइक्लिक फॉर्म में है। तो ये किस फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में। साइक्लिक फॉर्म के लिए हम लोग यूज़ करेंगे साइक्लो। ठीक है, उसके बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन कितने कनेक्टेड हैं। चलो हम लोग काउंट कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन कनेक्टेड है, 5। तो 5 के लिए क्या होगा, पेंटा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि फिर प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स मतलब होता है कि इसका जो है टाइप्स, किस टाइप से ये कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, किस तरह के बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो ये सब किस बॉन्ड से कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। किस बॉन्ड से कनेक्टेड है, सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड। तो देखिए यहाँ पर, तो हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, ये क्या हो गया, साइक्लो। तो हम लोग लिखेंगे साइक्लो। ठीक है, आप देखिए वर्ड रूट क्या है, कितने कार्बन कनेक्टेड है, देखिए कितने कार्बन कनेक्टेड है, 5 के लिए क्या होगा, पेंट। ठीक है, पेंट। अब ये बताइए हमें प्राइमरी सफिक्स किस बॉन्ड से कनेक्टेड है, सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, यानी कि अल्केन। तो लास्ट वाला क्या जोड़ दीजिए, ए एंड ई, बन गया आपका साइक्लोपेंटेन। क्या बन गया, साइक्लोपेंटेन। इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए आपको टाइम दे रही हूँ, चलिए आप लोग फटाफट इसको लिखते जाइए। चलिए, प्राइमरी सफिक्स तो हम लोग पढ़ लिए कि प्राइमरी सफिक्स होते क्या है। अब हम लोग आते हैं सेकेंडरी सफिक्स में। जनरली ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं, मतलब वो उसमें ऐड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें ऐड होते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे पहले इन सबको तो हैलोजन ग्रुप कहते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये हैलोजन फैमिली में आते हैं। चलिए वो तो बात की बात है, अब हम लोग जानते हैं कि इनको हम लोग बोलते कैसे हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, आप लोग को ईजी वे में समझ में आ जाएगा। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन को हम लोग बोलेंगे फ्लोरो, क्लोरीन को बोलेंगे क्लोरो, रो 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 सब में ऐड हो जाएगा, मतलब ये लोग हमेशा रोते ही रहते हैं। ठीक है, ब्रोमीन को बोलेंगे ब्रोमो, आयोडीन को बोलेंगे आयोडो, ठीक है, आयोडो सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से बोलेंगे, और एनोटो को बोलेंगे नाइट्रोसो, और एन ट्रिपल बॉन्ड एंड को बोलेंगे डाइएजो। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मेमोराइज करना बहुत आसान है। सबसे पहले इसमें तो मेमोराइज करने में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए क्योंकि ये सिंपल है। जैसे क्लोरीन का फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो, एनोटो का नाइट्रोसो, और एन ट्रिपल बॉन्ड एंड का डाइएजो। अच्छा, आप लोग को लगता होगा कि ये जो बता रही हूँ ये रामायण ये कहाँ यूज़ आएगा, अभी मैं एग्जांपल कराऊंगी सॉल्व तो उसमें समझ में आ जाएगा फिर कि कैसे इसका रियली में यूज़ करते हैं। पहले आप ये पढ़ लीजिए, जैसे हम लोगों को मैथ सॉल्व करना रहता है तो पहले टेबल पढ़ते हैं ना, उसी तरह ये समझ लो कि टेबल है, तो जिसको आपको मेमोराइज करना होगा। मैं कुछ कुछ ट्रिक बताती हूँ, उस ट्रिक को प्लीज़ आप लोग फॉलो करना। ठीक है, चलो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, तो और कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं।
चलिए वो तो समझ में आ गया होगा आपको लोगों को। अब हम लोग आते हैं कि जब ऑक्सीजन में कनेक्टेड हो जाए कार्बन कंपाउंड, ठीक है, कार्बन जितने सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं। सबसे पहले सिंपली समझना, हाँ, ऑक्सीजन के साथ जितने भी आर आर मीन्स ये सब आएंगे, ठीक है, तो उनको बोलते हैं अल्कोक्सी। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा ट्रिक बताती हूँ। अगर ऑक्सीजन के साथ एक CH3 कनेक्ट हो, CH3 कार्बन एक है, तो हम लोग क्या बोलते थे, मिथाइल पूरा बाटी वाला कंसेप्ट याद है ना, तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बताया कि अगर ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो तो अल्कोक्सी, यानी कि सबसे पहले इसको लिख लो आप, ठीक है, कार्बन एक है तो क्या बोलेंगे, मिथ। उसके बाद इसमें ऐड कर दो ऑक्सी, क्यों ऑक्सी ऐड हो रहा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन है। क्लियर है, यस या नो? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आते हैं हम लोग इसको C2H5, अगर इसको आप तोड़ोगे ना तो C2, इट मीन्स दो कार्बन कनेक्टेड है, इट मीन्स हो गया इथ, ठीक है, तो इथ सिंपली करो और फिर इसमें और ऐड कर दो OXY, ऑक्सी, ठीक है। क्यों हो रहा है, रीज़न आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कनेक्टेड है। अब आते हैं सिंपली R, R मतलब हो गया जितने CH3 ग्रुप हो गए, और भी जितने भी कार्बन के एक से अधिक कार्बन होते हैं, वन ऑफ मोर देन द कार्बन आर कनेक्टेड, तो व्हाट वी सी दैट, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, देन जस्ट सी, तो जैसे कि R हुआ तो इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, और अगर CH3 मतलब एक कार्बन ऐड है तो यानी मिथ लगा दो, और ये अकेला है इसका मतलब ये पीछे वाला YL ऐड कर दो, मिथाइल हो गया। समझ में आ रहा ना, ठीक है, अब दो कार्बन ऐड हो गया तो हो गया एक, और लास्ट में ऐड कर दो YL, ठीक है, क्लियर हो रही है सारी चीज़ें, क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। अब हम आते हैं कि CH3 को कभी कभी ना इस तरह भी डिनोट किया रहेगा ME, मतलब इसका मतलब है कि ये CH3 है, ठीक है, और C2H5 को हम लोग जनरली ETC भी डिनोट करते हैं, ठीक है, इतना आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं एग्जांपल कराती हूँ, ठीक है, जल्दी फटाफट लिखिए आप लोग। देखिए यहाँ जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे CH3 CH2Br, ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें ढूंढेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स देखिए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सा हुआ, ब्रोमीन हुआ, ब्रोमीन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ लिखिए ब्रोमो, ठीक है, उसके बाद ढूंढेंगे बर्ड रूट, कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने जुड़े हुए हैं, टू कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा एथ। और सबसे पहले बताइए ये कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड है, सिंगल डबल कि ट्रिपल, तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो हम लोग लिखेंगे AnE, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमको ढूंढना है सेकेंडरी प्रीफिक्स इन द सेंस कि जो आपके आगे लगे हुए हैं, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में देखिए जैसे कि कौन हो सकते हैं, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मैंने आपको जितना लिखाया ये सब सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं, आप खुद रिकॉग्नाइज करिए कि जैसे जो एक्स्ट्रा से ऐड हुए हों, ठीक है, जैसे हमारे घर में मेहमान जी आते हैं ना, जस्ट लाइक वैसा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या ढूंढना है, वर्ड रूट, मतलब कि इसकी कितनी लंबी फैमिली है, तो ढूंढ लिया हमने भाई कि दो ही फैमिली है, ठीक है। अब हम लोग ढूंढेंगे कि इनके परिवार किस तरह से बॉन्डिंग है, तो इनके परिवार एक लड़ी में बॉन्डेड है, यानी कि सिंगल बॉन्ड से, तो हो गया AN। उसी तरह जस्ट लाइक इसको भी सॉल्व कर लो आप, पहले यहाँ ढूंढेंगे कितना है, यहाँ हम लोग ढूंढेंगे कि सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो NO2 है, तो NO2 के लिए क्या होता है, नाइट्रो होता है, नाइट्रो, ठीक है। फिर एक ही कार्बन ऐड है, एक दो मिथ, और कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड है, सिंगल, तो मीथेन, नाइट्रो मीथेन, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आया हो, और नहीं समझ में आता है कुछ भी आप लोग को जैसे पूछना रहता है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ट्यूशंस नहीं कर पाते हैं, अगर आप लोग को कुछ भी डाउट्स हो रिलेटेड टू केमिस्ट्री आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट और है, मैं लास्ट वीडियो में भी रिक्वेस्ट की थी आपसे, प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग कोविड से ठीक हुए हैं प्लीज़ आप लोग प्लाज्मा डोनेट